नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का टुडे टॉक के इस वीडियो में। दोस्तों, राजस्थान पटवारी भर्ती परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन का आदेश आ चुका है और इस आदेश के साथ ही काफी बड़ी संख्या में कैंडिडेट्स जो है वो चिंता में है, टेंशन में है और बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स भी है जो इस फैसले से काफी ज्यादा खुश है। दोस्तों, काफी सवाल उठने लग गए हैं कि इतना देरी से नॉर्मलाइजेशन का फैसला क्यों आया है, कहीं हमारे साथ में धोखा तो नहीं हो रहा है, आखिर इसके पीछे क्या बड़ी वजह रह सकती है और कब नॉर्मलाइजेशन की आवश्यकता होती है, इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही दोस्तों, कुछ और आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनका जवाब देने की मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो में और इस वीडियो के एंड में हम डिस्कस करेंगे सटीक कट ऑफ का कि अब नॉर्मलाइजेशन के बाद में पटवारी की सटीक कट ऑफ क्या रह सकती है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको कुछ सवाल बताना चाहूंगा जो काफी महत्वपूर्ण है। नॉर्मलाइजेशन का फैसला इतना देरी से क्यों लिया गया, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। इसके बाद में दोस्तों बात करें तो नॉर्मलाइजेशन में कितने अंकों का अंतर आएगा, कितने मार्क्स ऊपर नीचे हो सकते हैं, इसके ऊपर भी बात करने वाले हैं। इसके बाद में नॉर्मलाइजेशन का सर्वाधिक फायदा किसको होगा, किसी पार्टिकुलर शिफ्ट को होगा या फिर मेल या फिर फीमेल कैंडिडेट्स को होगा, किसको होगा, इसको लेकर बात करेंगे। इसके बाद में नॉर्मलाइजेशन के बाद में कट ऑफ क्या रह सकती है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि नॉर्मलाइजेशन का फैसला इतना देरी से क्यों लिया गया, अब अंत में क्या जरूरत पड़ गई कि नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, ये आदेश जारी करना पड़ा। हमने हरिप्रसाद जी शर्मा का 2-3 बार बयान सुना। सबसे पहले उन्होंने जो बयान दिया था उसमें बोला था कि अगर पटवारी भर्ती परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन की आवश्यकता पड़ी तो नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। बाद में उन्होंने कहा कि नॉर्मलाइजेशन की आवश्यकता नहीं है क्योंकि सभी शिफ्ट के जो एग्जाम है वो समतुल्य थे, समान थे, ज्यादा डिफरेंस नहीं था। बाद में एक कमेटी गठित की गई, उसके बाद में भी चेयरमैन साहब ने बोला कि नॉर्मलाइजेशन की आवश्यकता नहीं है। फिर सडनली ये आदेश दिया गया कि पटवारी भर्ती परीक्षा में रिजल्ट या परिणाम जो है वो नॉर्मलाइजेशन के बाद में जारी किया जाएगा। अब इसको लेकर सबसे बड़ा सवाल, क्या इंटरनली कोई धोखाधड़ी चल रही है या फिर वास्तव में नॉर्मलाइजेशन की जरूरत पड़ी है। अगर वास्तव में नॉर्मलाइजेशन की जरूरत पड़ी है तो इसका मतलब यह है कि आपके जो मार्क्स है वो 5 से लेकर 10 अंक तक ऊपर नीचे होंगे, डेफिनेटली ये बात नोट कर लीजिएगा। क्योंकि दोस्तों, अगर 2 या 3 मार्क्स का अंतर रहता तो नॉर्मलाइजेशन की आवश्यकता नहीं रहती। नॉर्मलाइजेशन ऐसी कंडीशन में किया जाता है जब पार्टिकुलर 1 या 2 शिफ्ट में जो मार्क्स है वो 5+ ऊपर नीचे होते हैं, तब नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। तो ये बात ध्यान से सुनिएगा कि डेफिनेटली किसी ना किसी शिफ्ट में 5 से अधिक अंकों का अंतर आया है और इसी वजह से ये नॉर्मलाइजेशन किया जा रहा है। इसके बाद में जो अगला सवाल है, नॉर्मलाइजेशन में कितने अंकों का अंतर आ जाएगा, तो ये मानकर चलिए कि कम से कम 5 से 10 अंक तक का अंतर आपको देखने को मिल जाएगा। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन ऐसी कंडीशन में ही किया जाता है जब 5 से अधिक अंकों का अंतर आता हो, कम से कम मानकर चलिए। इसके बाद में दोस्तों अगर हम बात करें तो नॉर्मलाइजेशन का सर्वाधिक फायदा किसको होगा, तो नॉर्मलाइजेशन का बेसिकली जो फायदा होने वाला है वो यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट्स को होने वाला है या फिर जिनका एग्जाम फर्स्ट शिफ्ट या सेकंड शिफ्ट में था। क्योंकि फर्स्ट या सेकंड शिफ्ट में अधिकांश जो फीमेल कैंडिडेट्स थी उनका एग्जाम था, उनके मार्क्स वैसे भी थोड़ा बहुत कम रहते हैं, आप सभी को पता है, आप कट ऑफ देखते हैं तो फीमेल की जो कट ऑफ है वो कम रहती है, मेल कैंडिडेट्स की जो कट ऑफ है वो ज्यादा रहती है। तो फीमेल्स को यहाँ पर डेफिनेटली बेनिफिट होगा और फर्स्ट सेकंड शिफ्ट में जिन मेल कैंडिडेट का एग्जाम था उनको भी यहाँ पर बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि थर्ड और फोर्थ शिफ्ट में जिन कैंडिडेट्स ने एग्जाम दिया है उन्होंने डेफिनेटली अच्छा स्कोर किया। इसके पीछे कारण यह रहता है कि जिनका एग्जाम बाद में होता है उनको एक कॉन्फिडेंस मिल जाता है, आत्मविश्वास मिल जाता है, डर निकल जाता है पहले पहली शिफ्ट का पेपर देखकर या दूसरी शिफ्ट का पेपर देखकर कि किस तरह के सवाल आएंगे। तो उस वजह से डेफिनेटली फर्स्ट सेकंड शिफ्ट में जो फीमेल कैंडिडेट्स है उनका तो बेनिफिट है ही है, साथ में मेल कैंडिडेट्स का भी इसमें फायदा होने वाला है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जिनका एग्जाम थर्ड या फोर्थ शिफ्ट में था उनके फायदा नहीं होगा, बिल्कुल ऐसा नहीं है, लेकिन मैं आपको जो संभावनाएं होती है वो बता रहा हूं। इसके बाद में दोस्तों हम बात करते हैं कि नॉर्मलाइजेशन के बाद में
कट ऑफ क्या रह सकती है। तो नॉर्मलाइजेशन के बाद में कट ऑफ में डेफिनेटली आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। अब तक जो हमारी एक्सपेक्टेड कट ऑफ थी उसमें और नॉर्मलाइजेशन के बाद की कट ऑफ में कुछ अंतर आपको देखने को मिलेगा, लेकिन अधिक अंतर देखने को नहीं मिलेगा। अभी दोस्तों मैं आपको बताऊं तो यहां पर देखिए नॉर्मलाइजेशन के बाद में आपकी कट ऑफ क्या रह सकती है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें जनरल और ओबीसी कैंडिडेट्स की, तो जनरल ओबीसी में जो मेल कैंडिडेट्स है उनकी कट ऑफ रहने की संभावना है 108 से 110 अंक तक। ठीक है, 108 से 110 अंक तक जनरल ओबीसी के मेल कैंडिडेट्स की कट ऑफ रह सकती है। वहीं अगर हम फीमेल कैंडिडेट्स की बात करें तो फीमेल की जो एप्रोक्स कट ऑफ है वो 180 प्लस रहने की पूरी पूरी यहां पर संभावना नजर आ रही है। अगर हम बात करें एससी मेल कैंडिडेट की, तो एससी मेल कैंडिडेट्स की जो कट ऑफ है वो 170 से 175 अंक तक रहने की पूरी संभावना है। वहीं अगर हम एससी फीमेल की बात करें तो लगभग 145 प्लस कट ऑफ रहने की पूरी संभावना, 145 से 150 मानकर चलिए, 2-3 मार्क्स ऊपर नीचे डेफिनेटली हो सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर हम बात करें एसटी कैटेगरी की, तो एसटी में जो मेल कैंडिडेट्स है उनकी कट ऑफ रह सकती है 160 प्लस मार्क्स या 165 तक आप लेकर चलिए। इसके बाद में अगर एसटी फीमेल की बात करें तो अप्रोक्स 140 प्लस या 145 तक आपकी कट ऑफ जा सकती है। इससे ज्यादा आपको डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा। बाकी दोस्तों नॉर्मलाइजेशन कोई चिंता की बात नहीं है, नॉर्मलाइजेशन से नुकसान नहीं होता है, नुकसान काफी कम होता है जबकि फायदा ज्यादा होता है। और वैसे मैं आपको बता दूं नॉर्मलाइजेशन कौन तय करता है, नॉर्मलाइजेशन वही बच्चे तय करते हैं जो इंटेलिजेंट होते हैं, जिनके मार्क्स काफी अच्छे होते हैं, जो मीडियम रेंज के बच्चे होते हैं उनके नॉर्मलाइजेशन से ज्यादा इंपैक्ट नहीं होता है। तो ज्यादा चिंता मत कीजिए। अब आपका जो रिजल्ट है वो बेशक थोड़ा लेट हो सकता है, उसमें थोड़ी देरी हो सकती है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया जो होती है वो आसान नहीं होती है, काफी कॉम्प्लिकेटेड होती है, तो उसमें टाइम लगता है। वैसे नॉर्मलाइजेशन किस प्रकार से होगा इसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया है, अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा। उस वीडियो का लिंक मैंने आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आई बटन में दिया है। और जो लोग नए हैं चैनल पर वो जरूर टुडे टॉक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कीजिए, ताकि आने वाले हर वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। ऐसी ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स मैं आपको आगे भी देता रहूंगा, तो जरूर जुड़िएगा। साथ ही आप हमारा राजस्थान नौकरी ज्ञान का टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो सेशन में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।